हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पोस्ट एपीआई को इनपुट फील्ड्स के साथ में कैसे यूज कर सकते हैं। इनपुट फील्ड से मतलब कि तीन चार हमारे पास टेक्स्ट फील्ड रहेंगी जिसके अंदर हम लोग नेम, ईमेल आईडी, एज वगैरह ये एंटर करेंगे, और जैसे ही हम लोग स्टोर के ऊपर या फिर सेव वाला बटन रहेगा वहां पे उसके ऊपर क्लिक करेंगे सो इन इनपुट फील्ड्स का डाटा पोस्ट वाली एपीआई के अंदर चला जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कुछ इनपुट फील्ड्स बनानी पड़ेंगी, उनके डाटा को स्टोर करना पड़ेगा स्टेट के अंदर, और बाद में हमारी पोस्ट वाली एपीआई को कॉल करेंगे और प्रॉपरली टेस्ट करेंगे। इवन मैं एक पोस्ट एपीआई लास्ट वाले पार्ट के अंदर कॉल करके दिखा चुका था सिंपल, बट वो स्टैटिक डाटा के साथ थी। अब हम लोग इसको डायनेमिक डाटा के साथ में करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये हमारा app.js फाइल है, तो इसके अंदर मैं टेक्स्ट इनपुट को इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट को इंपोर्ट करूंगा और उसके बाद में यहाँ पे कुछ इनपुट फील्ड्स ले लूंगा। यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट इनपुट और इसको हम लोग इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं, चाहो तो इसके अंदर प्लेस होल्डर भी डाल सकते हो। प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, एंटर नेम और समथिंग इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको फील्ड दिख गई। बट थोड़ा सा इसका स्टाइल अगर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है थोड़ा स्टाइल भी कर लेते हैं यार यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे स्टाइल को भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी बट ठीक है, दैट्स ओके। स्टाइल लिया तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट स्टाइल स्टाइल्स ले लेता हूँ और इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इनपुट नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसका मैं यहाँ पे बॉर्डर कलर ले लेता हूँ एक बार के लिए, लेट्स से मैंने लिया स्काई ब्लू, और उसके बाद में बॉर्डर विथ दे देता हूँ लेट्स से 1 पिक्सल, और इसको मैं बाद में यहाँ पे अप्लाई भी कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टाइल्स स्टाइल डॉट इनपुट, ठीक है थोड़ा बेटर दिख रहा है। थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर मार्जिन वगैरह भी दे सकते हैं, तो मैं आप एक बार के लिए मार्जिन भी दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ लेट्स से मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है थोड़ा ठीक लगेगा, चाहो तो 20 भी दे लो कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। सो अब इसकी वैल्यू एक एक इनपुट फील्ड लेते हैं और उनकी वैल्यू को हम लोग स्टोर करवाते हैं स्टेट के अंदर। सो और यहाँ पे मैं एक बटन भी ले लेता हूँ साथ में, ठीक है मैं यहाँ पे एक बटन लूंगा, और ये बटन हमने यहां से इंपोर्ट नहीं करना है, बटन हम लोग रिएक्ट नेटिव वाला ही यूज करेंगे। सो बटन लिया और उसके बाद में यहाँ पे कर देता हूँ टाइटल दे देता हूँ इसका मैं एक टाइटल सेव डेटा कुछ करके, तो हमारे पास यहाँ पे एक बटन बन गया, परफेक्ट। इसके ऊपर स्टाइल वगैरह आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं थोड़ा कम ही फोकस रखूंगा, मेरा जो मेन पॉइंट है कि वो फॉर्म वाले डाटा के साथ में एक एपीआई कॉल करना है, ठीक है। सो मैं एक यहाँ पे सिंपल सी स्टेट भी लेता हूँ, तो यहाँ पे लूंगा कॉन्स्ट, इसका नाम लेता हूँ मैं नेम, सेट नेम, और ये एक स्टेट रहेगी, तो यूज स्टेट से बाय डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी आ जाएगी, परफेक्ट। सो इसकी मैं यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ, इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है यहाँ पे नेम, जो भी हम लोग नेम एंटर करेंगे वो उसकी वैल्यू रहेगी। और इसके साथ में मैं क्या करता हूँ, एक ऑन टेक्स्ट चेंज करके एक एलिमेंट होता है, एक इनपुट बॉक्स इवेंट होता है। सो जैसे हम लोग इसके ऊपर कॉल करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेट नेम और इसके अंदर टेक्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है। सो जो भी हम लोग टेक्स्ट डालेंगे इसके अंदर अपने आप स्टेट के अंदर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ लेट से अनिल, ठीक है यहाँ से आ गया। आप यहाँ से डालना चाहो तो यहाँ भी डाल सकते हो कीबोर्ड से, मैं मेरे खुद वाले कीबोर्ड से डाल रहा हूँ लैपटॉप वाले से, ठीक है परफेक्टली काम कर रहे हैं, ग्रेट। अच्छा अब बटन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, नॉट क्लिक प्रेस के ऊपर, ऑन प्रेस, और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देता हूँ मैं लेट से सेव डेटा और स्टोर डेटा, जो भी आपको रखना चाहो आप वो रख सकते हो। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट सेव डेटा कर लेता हूँ, एंड इसको एक एरो फंक्शन बना सकते हैं वो सिंपल, ठीक है। और एक बार के लिए यहाँ पे ऑन प्रेस के ऊपर वॉन भी करके देख लेते हैं कि हमें नेम के अंदर यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो हमारी स्टेट हम लोगों ने लिए, ठीक है। सो लेट्स से कि मैं इसके अंदर डालता हूँ अनिल, तो जैसे मैंने अनिल डाला सिर्फ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अनिल हमारे पास कंसोल हो गया, यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो नेम स्टेट है इसके अंदर नेम हमारा आ चुका है जो भी हमने एंटर करवाया, ठीक है। सो एक आ गया, उसके साथ साथ मैं दो स्टेट्स और लेता हूँ यहाँ पे, एक स्टेट में यहाँ पे लूंगा एज और यहाँ पे लिखाऊंगा सेट एज, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू लेट से मैं डाल देता हूँ 0 डाल देता हूँ, ठीक है आप कुछ और चाहो अनडिफाइंड वगैरह वो भी डाल सकते हो। उसके बाद में ईमेल एंड
सेट ईमेल, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी हम लोग ब्लैंक डालेंगे, परफेक्ट। सो अगर आपको ये थोड़ी दिखाई नहीं दे रही तो मैं थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ इनपुट फील्ड को ना, ताकि आपको ये प्रॉपरली दिखाई दे। ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड हो गई। अब इसके जैसी मुझे दो इनपुट फील्ड्स और बनानी, एक हमारे पास ये हो गई सेकंड एंड थर्ड, थोड़ा फॉर्मेट कर दूंगा कोड को, तीनों आ गए। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर एज कर देता हूँ, और यहाँ पे एज आ जाएगी इसकी वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सेट एज, ठीक है, परफेक्ट। और लास्ट के अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं एंटर ईमेल, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ईमेल आ जाएगी इस वाली स्टेट से जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन करी है, एंड लास्ट वन इज सेट ईमेल, परफेक्ट। सो सब कुछ ठीक हो गया। इनके अंदर थोड़ा टेक्स्ट चेंज बढ़ाना है आपको, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो आप वो भी बढ़ा सकते हो। फॉन्ट साइज में कर देता हूँ लेट्स से 20, थोड़ा सा आपको बेटर दिखेगा, ठीक है, अब आपको बेटर दिखेगा। बटन वगैरह को लास्ट में लेके जाना तो स्टाइल वगैरह से कर सकते हो, फ्लेक्स वगैरह देके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या तीनों की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है ये भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे नेम, एज और ईमेल, आपको ध्यान रखना है स्टेट है, आप ये मत सोचना कि ये वाले वेरिएबल कहाँ से आई, ये जो नेम्स है ना जो स्टेट हम लोगों ने दे रखी है ये वही हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ लेट्स से सनी, एज लेट्स से 23, और ईमेल लेट्स से abc@test.com कुछ भी डाला मैंने। अब मैं इसको जैसे ही सेव पे क्लिक करता हूँ तीनों के तीनों मेरे पास कंसोल आ जाने चाहिए। इसको मैं डन करता हूँ तो आप देख सकते हो एक कंसोल आ गया, अच्छा मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, बट ठीक है तीनों कंसोल आ गए, अगर ईमेल आ गया तो परफेक्टली आ गए, बिकॉज कंसोल एक टाइम में एक ही दिखता है रिएक्ट नेटिव के अंदर, परफेक्ट। ओके, सो अब हमें नेक्स्ट चीज क्या करनी है, जैसे हम लोग ओन प्रेस करते हैं तो ये जो डाटा है ना इसको हमें एपीआई के अंदर स्टोर करवाना है। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको भी के लिए हमें पढ़ाई लेने दूंगा, एक लूंगा कॉन्स्टेंट यूआरएल नाम, यूआरएल। और आपको पता है कि जब भी हम लोग यूआरएल करते हैं सबसे पहले इस आईपी को कॉपी कर लो, जिस आईपी के ऊपर हमारा अभी के लिए जो रन कर रहे हैं हम लोग हमारे जेसन सर्वर को, ठीक है। उसके बाद में इसको हमें चेंज करना है 10.0.2.2, परफेक्ट, ये बन गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, एक लेट ले लो रिजल्ट। पर आपको पता है कि जब भी हम लोग एपीआई यूज करते हैं तो हमें कौन से फंक्शन बनाने होते हैं, असिंक फंक्शन, बिकॉज अदरवाइज आपको प्रॉमिस को रिजोल्व करने के लिए डॉट देन करके यूज करना पड़ेगा, असिंक अवेट बेस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे अवेट लिखेंगे, फैच, फैच के अंदर यूआरएल, यूआरएल के बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोमा के अंदर सबसे पहले मेथड नेम, मेथड नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेट से पोस्ट। उसके बाद में हेडर्स आएंगे, हेडर्स के अंदर हम लोग यहाँ पे डालेंगे कंटेंट टाइप, सबसे पहले कंटेंट टाइप, और उसका जो टाइप रहेगा एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। यहां पे आते हैं एप्लीकेशन जेसन, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेट मी वेरीफाई, देखने में सब ठीक लग रहा है। उसके बाद में लास्ट वन हम लोग यहाँ पे बॉडी ऐड कर देते हैं, और जब भी बॉडी ऐड करते हैं तो हम इसको स्ट्रिंगिफाई करना होता है, सो जेसन को हम लोग स्ट्रिंगिफाई कर लेंगे। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना के बस इसके अंदर डाल दो नेम, आप इस तरीके से भी डालोगे, और मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। ईमेल आपने इस तरीके से डाला, एंड बाद में एज आपने इस तरीके से डाला, ये करके डालोगे तो भी एक चीज है, बट जब आपकी की और वैल्यू दोनों सेम होते हैं ना तो आपको दोनों लिखने की जरूरत नहीं होती जावास्क्रिप्ट के अंदर, बस इतना लिख दो अपने आप ही उसका ऑब्जेक्ट अपने आप बन जाता है, ठीक है, परफेक्ट। सो अब हम लोग इसको स्टोर करने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए हमारे पास अगर मैं आपको डीबी वाली फाइल दिखाऊं तो कितने डेटा है, लास्ट की जो आईडी है वो टोनी है जिसकी आईडी 7 है, ऑलराइट। सो मैं इसको एक बार के लिए क्लियर करना चाहता हूं, आप क्लियर कर सकते हो, इसको जस्ट रिफ्रेश कर लेता हूं और बाद में बार न्यू डेटा एंटर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे डाल देता हूं सनी, सनी के बाद में यहां पे डाल देता हूं लेट से एज 25, ईमेल sunny@test.com, ऐसा कुछ करके डाल दिया, सेव करेंगे। जैसे हम लोग सेव करेंगे तो तीन, ठीक है, ये वाली कंसोल आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ कंसोल करवाया नहीं है, क्या डाटा हमारा एंटर हो चुका है, लेट मी चेक। आप यहाँ पे देख सकते हो सनी वाला डाटा एंटर प्रॉपरली हो चुका है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से चेक करना चाहते हो कि डाटा एंटर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे कुछ और चीजें भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखो रिजल्ट जो आया ना, रिजल्ट को ओवरराइड करेंगे, रिजल्ट के अंदर क्या लिखेंगे, रिजल्ट इक्वल टू
नॉट, हाँ रिजल्ट इक्वल टू अवेट, ताकि हम लोग इसको जेसन में कन्वर्ट कर पाए, बिकॉज जब हम लोग रीडेबल नॉर्मल डाटा को जेसन में कन्वर्ट करते हैं वो अगेन अवेट ही देता है हमें, ठीक है। और यहाँ पे आप एक अलर्ट भी लगा सकते हो, यहाँ पे लेट्स से इफ रिजल्ट आ गया है तो यहाँ पे जस्ट लगा सकते हो अलर्ट। इवन अलर्ट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप कुछ अलग से सही सी चीज लगाना बना के कुछ CSS से, जैसे कि आपको यहाँ पे वार्निंग दिख रही है ना इस तरीके से, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे वार्निंग ही लगा दो एक बार के लिए जस्ट, ठीक है। कंसोल डॉट वॉर्न लगा दो, डेटा एंटर, डेटा एडिड ऐसा कुछ के लगा दो, कुछ करके लगा देते हैं, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे सनी की जगह पे कुछ और चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैटमैन कर दें, बैटमैन एज कितनी होगी बैटमैन की, बैटमैन की एज लगा देते हैं 40 साल का होगा बैटमैन, और बैटमैन की हमने ईमेल आईडी बना दी batman@test.com, ठीक है भाई। अब हम लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आया डेटा एंटर्ड, परफेक्ट। और एक बार के लिए चेक कर लेते हैं क्या बैटमैन की एंट्री हो चुकी है, बैटमैन की एंट्री यहाँ भी हो गई, इसको भी रिफ्रेश करके देख करके देखोगे तो बैटमैन की एंट्री हो गई। तो इस तरीके से आप एक प्रॉपर पोस्ट API की कॉल लगा सकते हो। छोटा सा टास्क आपके लिए यहाँ पे है, इसके अंदर आप वैलिडेशन लगाओ कि कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर शायद मैं आपको करके दिखा दूंगा ये वाली चीज कि वैलिडेशन वगैरह कैसे लगा सकते हैं, सिंपल वैलिडेशन एटलीस्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना, और ये अब मेरा पेटीएम डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।